वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24/7। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और इसके लिए प्रिपरेशन भी हम लोग हर तरीके से शुरुआत कर चुके हैं उसका। इस वक्त में आपको हम हर दिन, मतलब कि ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे को मिला करते हैं और मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को मिलते हैं आपको इसी वक्त पे शांतनु सर। मतलब मैथ्स और रीजनिंग का लगातार ये दोनों सपोर्ट आपको हम इस वक्त में 4 से 5 बजे के बीच में दिया करते हैं। आज का टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा पजल्स। मतलब पजल इज लिटरली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग। और अगर हम इस तरह के एग्जाम्स की बात करें, जब हम आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जामिनेशन की बात करें या किसी भी मेंस एग्जामिनेशन की बात करें, हर जगह पे इसकी जो महत्ता है, मतलब इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम 2021 के आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की का जिक्र करें तो आपको मालूम है, सबसे पहली बात तो इस रीजनिंग पेपर से, रीजनिंग में से हमारे पास 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2021 में, उससे पहले तो इसकी संख्या कम हुआ करती थी। कम मतलब 30 सवाल आउट ऑफ 60, 30 क्वेश्चंस के आसपास इर्द गिर्द हमें सवाल मिला करते थे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से। हम यहाँ पर जो सेशन का नाम रखे हैं पजल रखे हैं, और पजल के अंदर ही हम लोग, मतलब सिटिंग एंड पजल चलता रहेगा, एक सिटिंग एक पजल, एक सिटिंग एक पजल। तो हमने टाइटल रख दिया पजल, ताकि दोनों ही चलता रहे। 2021 में आउट ऑफ 60 क्वेश्चन वी सॉ 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस टू टॉपिक, दैट मीन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से हमारे पास 40 सवाल देखने को मिले थे, जो कि अपने आप में बहुत है। 2022 का माहौल कैसा रहेगा ये तो खैर पेपर ही बताएगा, लेकिन हमें अपने इस प्रीवियस ईयर, जस्ट प्रीवियस ईयर हमारे पास जो है 2021, उसके संदर्भ में, उसके आधार पर ही चलने की आवश्यकता है। मतलब इंपॉर्टेंस सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को ज़्यादा देनी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अनमोल कह रहे हैं कि सर रीजनिंग को हम जीरो टू हीरो से स्टार्ट करें या चैंपियन बैच से। मेरा सजेशन होता है पहले, अगर बिल्कुल अनभिज्ञ हैं तो फिर जीरो टू हीरो। नॉलेज है थोड़ा बहुत, कहीं कहीं पढ़ा है आपने, आपको टॉपिक का आइडिया है, तो फिर आप चैंपियन से, बिकॉज समय बर्बाद नहीं करना अपना। मैं जीरो टू हीरो इसलिए हम लोग यूट्यूब पर रखे हुए, बिल्कुल जो अनभिज्ञ बच्चा है उसको बैंक की तैयारी करनी है और मतलब शुरुआत ही किया है तो डायरेक्टली बैच में ना आए, थोड़ा आइडिया लेके आए। वो थोड़ा सा आइडिया के लिए पूरा जीरो टू हीरो का सीरीज यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, लेकिन उसका लेवल बढ़ा के पढ़ाई करने का जो नाम है, या फिर थोड़ा सा और बारीकी से समझने का नाम है, वो है चैंपियन बैच। एनीवेज, उससे बाहर निकलते हैं, यहाँ बात करते हैं फिलहाल। सो आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने सिटिंग अरेंजमेंट और पजल चैप्टर सॉल्व किया होगा। कोशिश करूंगा मैं कि आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही डिस्कस करूं शुरुआती दौर में। मतलब आज के इस सेशन में जो भी मैं सवाल आपके सामने रखने वाला हूं, सारे के सारे सवाल आपके सिटिंग अरेंजमेंट पजल के सवाल, एक सिटिंग का सवाल होगा, एक पजल का सवाल होगा। ये दोनों ही सवाल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से हैं, मतलब दो आरबीआई ग्रेड बी का ही सवाल पूछा हुआ सवाल है। सो लेट्स चेक द क्वेश्चन। उससे पहले एक बात और कर दूंगा मैं, जो बच्चे नए हमारे चैनल पे हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है 24/7 की, मतलब बड़ा ब्लंडर है ये। सो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट, ये 2-3-4 महीनों के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जब तक आप प्रिपरेशन में रहते हैं। प्रिपरेशन बहुत लंबे ड्यूरेशन तक करने का अगर सोच के आए हैं तो मत कीजिए, क्योंकि लंबे ड्यूरेशन की प्रिपरेशन में कुछ होता नहीं है, आउटपुट नहीं निकलता है। अगर आप ये सोच के आते हो कि मतलब नो, एक खतरनाक ऊर्जा में हम कुछ ड्यूरेशन के लिए हम मिलेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो बस उसके उसमें ही क्वालिफाई होता है एग्जामिनेशन। सो बस ऊर्जा में कोई कमी ना रहे, एक ड्यूरेशन तय कर लीजिए। मुझे चूंकि आज 31 मार्च भी है, कल से एक फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 2022 का, अप्रैल टू अगला उसमें, और इसी पूरे ड्यूरेशन में ना बच्चे शुरुआत भी करते हैं और क्वालिफाई करते हैं, और मतलब फिर अगले 1 अप्रैल 2023 को रिजल्ट भी लेते हैं फाइनली आईपीएस का, और बहुत सारे एग्जाम का रिजल्ट तो इस ड्यूरेशन में ही आ जाता है। मतलब अगर कोई बच्चा अभी भी ठानता है कि मुझे इस साल का बैंक प्रिपरेशन शुरू करना है बिल्कुल जीरो, तो भी वो पहुंच जाएगा अपनी जगह पे, मंजिल आराम से पा सकता है। बस करना ये है कि इस ड्यूरेशन में रुकना नहीं है, ठीक है ना। ओके, सो शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। सो आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे सवाल पे चलने के लिए। सो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं, पहला सवाल देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, 5 मैरिड कपल इन विच ए बी सी डी ई आर मेल्स एंड एम एन ओ पी क्यू आर फीमेल्स। मतलब कि यहां पर 5 मैरिड कपल का जिक्र हुआ है, मतलब 10 लोग हैं। 5 मैरिड कपल का मतलब है 10 लोग हैं, ठीक है भाई। एंड दे आर लिविंग इन अ 5-story building सच एज लोअर मोस्ट फ्लोर इज 1 एंड अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन टिल टॉप मोस्ट दैट इज फ्लोर नंबर 5। मतलब
आप इस सवाल को एक फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड क्वेश्चन की तरह आंक सकते हैं, देख सकते हैं थोड़ा बहुत. द रीजन इज कि आपके पास ये जो पॉइंट कहा गया यहां पर कि फाइव मैरिड कपल है, मतलब दो दो लोग हैं, फाइव मैरिड कपल, ए बी सी डी ई, ये मेल होंगे और आपका पी क्यू एम एन ओ पी क्यू जो है वो फीमेल है, तो मतलब दो दो लोग रहने वाले हैं एक फ्लैट पे, एक फ्लोर पे. उसके बाद क्लू आपका स्टार्ट हो जाता है इसके बाद. अब जाहिर सी बात है पांच फ्लोर है और दस लोग हैं, मतलब दो कप, मतलब पांच कपल है, दैट मीन्स कि हर फ्लोर पे दो लोग रहने वाले हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन सी दिस क्वेश्चन. इसका हिंदी लैंग्वेज भी क्लू वाला पार्ट में क्या कर रहा हूँ, अगले स्लाइड में, मैं यहाँ से जो क्लू वाला पार्ट शुरू हो रहा है इसको मैंने अगले स्लाइड में रखा हुआ है दोनों ही लैंग्वेज में. तो आप सभी लोग पहले तो ड्रॉ कर लीजिए फाइव फ्लोर की बिल्डिंग और उसमें हर एक फ्लोर पे दो दो लोग रहने वाले हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं. सर आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपरेशन इतने कम टाइम में किया हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए अमरदीप सिंह का सवाल है कि सर इतने जल्दी इतने कम प्रिपरेशन में हो जाएगा क्या? इतने कम प्रिपरेशन में प्रिपरेशन मतलब देखो, अगर किसी का थोड़ा प्रिपरेशन थोड़ा बहुत आइडिया है फेज़ वन का, तो सही मायने में देखा है तो अभी से फेज़ वन और फेज़ टू, फेज़ वन में अभी से 60 दिनों का लगभग वक्त है, 60 दिन हाँ कह सकते हैं, 60 डेज टाइम हमारे पास है, और उसके मेंस परीक्षा में 90 दिन का वक्त है. मेन उसका मेंस ही है, फेज़ वन के लिए फाइट करना थोड़ा फिर भी आसान इसलिए होता है बिकॉज जाना पहचाना सब्जेक्ट है, मतलब कंपटीशन इस लिहाज से थोड़ा स्लो है, इजी है, बाकी और किसी और वजह से नहीं है. हर्ष, पहली बात तो ये सवाल ब्लड रिलेशन वाला सवाल नहीं है, दिखने में आपको लग रहा है कि ब्लड रिलेशन का सवाल है बट है नहीं. वैसे नॉर्मली आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट के साथ जब ब्लड रिलेशन होता है तो फिर ये दिक्कत हो जाता है. ट्राई कीजिए पहले एक बार, फिर मैं आपको कमेंट लूंगा. Try out everyone. अमरदीप सिंह, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, और एक और स्टूडेंट हैं, मैं आपके कमेंट्स भी लूँगा लेकिन पहले सवाल एक कर लेते हैं, एक सवाल करने के बाद मैं कुछ कमेंट लूँगा. इंद्रजीत, आपके सवाल का भी जवाब मैं देता हूं बट थोड़ा वेट कर लेते हैं.
ठीक है, चलिए आइए सवाल पे चर्चा करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज लिटरली वेरी गुड, बहुत पेशेंस के साथ सुकून से अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। सवाल में कहा गया है हमारे पास 5 फ्लोर हैं, सो प्राइमरली हमें यहाँ पर 5 फ्लोर ड्रॉ कर लेने चाहिए, ठीक है, और हर एक फ्लोर पे मतलब कपल्स रह रहे हैं, मैरिड कपल्स जो हैं वो रह रहे हैं, ठीक है, 5 हैं तो ऑफकोर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहां पर फ्लोर प्लस फ्लैट वाला कोई बात नहीं है यहां पर, मतलब एक बस इस संदर्भ में था कि दो दो लोग रहने वाले हर एक फ्लोर पे, बस इस पॉइंट के आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ यार सीम्स टू बी फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड क्वेश्चन, बट इट इज नॉट एक्चुअली फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड क्वेश्चन। सेकेंड थिंग, द क्वेश्चन सीम्स टू बी ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, लाइक पजल्स विथ ब्लड रिलेशन, बट एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, दे हैव जस्ट यूज्ड that those two people who are residing on one floor, they are married couple, nothing else. Simple चीज़ है, बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बट ठीक है। Projections आपको मिल सकते हैं, projections का ख्याल हमें रखना भी चाहिए, because सवाल अगर RBI Gridby ने पूछा है उसमें भी तो फिर of course सवाल तो अच्छा ही होगा। पहला clue कहता है C and Q, C is the husband of Q. C और Q मतलब एक ही floor पर रहने वाला है, ठीक है, and both live on an odd numbered floor. अगर हम एक से लेके 5 तक के फ्लोर की का जिक्र कर रहे हैं तो हमारे पास सी और क्यू के रहने का जगह कौन सा है, एक ये जगह हो सकता है, एक ये हो सकता है, और ये के, तो 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं सी और क्यू के, एग्जैक्टली क्या रखना चाहिए थोड़ा वेट करते हैं। ए लिव ऑन फ्लोर बिलो ई, और ए जो है वो ई के नीचे रहेगा कहीं पे, कितना नीचे नहीं पता लेकिन ई के नीचे रहेगा, बट उसने बोला बट नॉट जस्ट बिलो, अच्छा ये भी क्लियर कर दे, बट नॉट जस्ट बिलो, एकदम ठीक नीचे नहीं रहेगा ई के जस्ट, ए जो होगा ई के जस्ट नीचे नहीं रहेगा, दैट मींस ई अगर कहीं भी रखा जाए, मान लो ई यहां रहेगा तो ए यहां नहीं, दैट मींस ई यहां नहीं हो सकता, ई के नॉट बी ऑन सेकंड फ्लोर एट एनी सेंस, मतलब किसी भी सेंस में हम ई को सेकंड फ्लोर पे प्लेस नहीं कर सकते, ई यहां नहीं, बिकॉज ई यहां होगा तो अल्टीमेटली वी आर बाउंड टू मेक दिस एप सिटिंग हियर, वो जो पॉसिबल नहीं होगा, कंक्लूजन खुद से निकालते रहे आप इसमें। ई इज नीदर द हस्बैंड ऑफ एन और पी, ई जो है वो एन या पी का हस्बैंड नहीं है, और क्यू का भी हस्बैंड नहीं है, तो अगर ई एन और पी का हस्बैंड नहीं है तो दैट मींस कि एन और पी के साथ तो नहीं रह सकता ये क्यू के साथ, बिकॉज क्यू किसी और का, मतलब ऑलरेडी सी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, दैट मींस क्यू जो है वो अलग ही है ई और क्यू वाला, सी और क्यू वाला करनी, तो ये सभी लोग जा चुके हैं, बचा हमारे पास एलिमेंट कम होगा इसमें, ये भी बात ड्रॉ कर सकते हैं आप, इसको सोच सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम एक अच्छे लेवल के सिटिंग और पजल्स के सवालों की इसका जिक्र करते हैं तो उसमें यही होता है कि आप क्लू पढ़ते जाते हैं और आपको कुछ भी क्लियर पिक्चर शुरुआत से नजर नहीं आता है, जबकि आप प्रीलिम्स के सवालों को सॉल्व करते होंगे, बाकी के जितने बैंक एग्जामिनेशन है उसके प्रीलिम्स के सवालों को सॉल्व करते हैं आप, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर डिफरेंसेस कैसे समझ में आएगा, अब देखिए ना इस सवाल का हम पढ़ चुके हैं इतना कुछ, अभी तक आपको शुरुआत कहां से किया जाए समझ नहीं आ रहा है सही मायने में देखा जाए तो। ओ इज नीदर द वाइफ ऑफ ए और डी, वो जो है ए या फिर डी की वाइफ नहीं है, ठीक है। बी डज नॉट लिव ऑन द अपर मोस्ट फ्लोर, मतलब सबसे टॉप फ्लोर पे बी नहीं रहने वाली है या रहने वाला है। पी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स, ये बहुत अच्छा क्लू नजर आ रहा है मुझे। पी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स, पी जो है वो जो है ना वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है बट क्यू के नीचे नहीं रहता है, बट नॉट बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स, इसका मतलब यह है कि क्यू के नीचे तो क्यू के ऊपर ही रहने वाला है, किसी भी कंडीशन में जो पी है वो क्यू के ऊपर रहने वाला है, तो ये कंफर्म है कि अगर जब सी और क्यू के बारे में बताया गया था कि सी और क्यू एक साथ रहने वाले हैं और मतलब ये कपल्स हैं आपस में और हस्बैंड वाइफ हैं और ये लोग ऑड नंबर फ्लोर पर रहने वाले हैं, तो हमारे पास सी और क्यू के जो रास्ते खुले थे वो 1, 3 और 5 था, लेकिन अब ये कंफर्म हो रहा है इस लाइन से, इफ पी इज लिविंग ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स, क्यू के नीचे नहीं रहेगा अगर ये पी, इसका मतलब क्यू के ऊपर रहेगा, तो क्यू खुद सबसे टॉप पे तो नहीं रहेगा, मतलब सी और क्यू का ये जगह खत्म हो चुका है। दैट मीन्स नाउ वी नीड टू थिंक अबाउट सी एंड क्यू ओनली ऑन द फर्स्ट और थर्ड, दैट मीन्स नाउ वी कैन थिंक अबाउट द प्रोजेक्शन, हियर कम्स हियर विद वी शुड टॉक अबाउट द प्रोजेक्शन नाउ, सो वॉट वी कैन डू इज हम यहां पर एक बार सी और क्यू कर लेते हैं, एक प्रोजेक्शन हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं सी और क्यू का, आई होप नाउ यू पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट, और भी प्रोजेक्शन मिलेगा तो ऑफ कोर्स हमारे पास स्पेस है, लेकिन फिलहाल जो कंक्लूजन में ड्रॉ किया सी और क्यू को लेके कि वो ऑड नंबर फ्लोर पे हैं, तो हमारे पास एक पे हो सकता है, 3 पे, हमने एक प्रोजेक्शन रिड्यूस कर दिया आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर क्लू, ठीक है, ठीक है, चलिए
हस्बैंड ऑफ एन लिव्स जस्ट बिलो एम, हस्बैंड ऑफ एन लिव्स जस्ट बिलो एम. हमें इसमें कपल वाला पॉइंट भी अगर थोड़ा ड्रॉ करते चलेंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा. हस्बैंड ऑफ एन, दैट मीन्स एन इज अ फीमेल पर्सन. हस्बैंड ऑफ एन, एन जो है फीमेल है, इसका जो हस्बैंड होगा ये कहाँ रहेगा? हस्बैंड ऑफ एन लिव्स जस्ट बिलो एम, ये एम के ठीक नीचे रहेगा, जस्ट बिलो एम. ठीक है, ठीक है, ये जस्ट बिलो एम रहेगा. अब एम मेल है या फीमेल नहीं पता, लेकिन हाँ एम को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं अपन. ठीक है ना, ऐसे हम ड्रॉ कर लिया ताकि कन्फ्यूजन वाला पॉइंट नहीं रहेगा. मतलब ये कन्फर्म है कि भाई ऐसे रहेगा, एन और एम आपस में ऐसे रहेगा. चलो हटाओ जो भी है इस टाइप से. एन एम आपस में कॉन्जिक्यूटिव रहने वाले हैं, ये आइडिया मुझे मिल चुका है. तो एन एम यहाँ तो नहीं रहने वाला है, एम यहाँ नहीं हो सकता. एम यहाँ होगा तो यहाँ, एम यहाँ होगा तो यहाँ, इस तरीके से हो सकता है. आगे बढ़ते हैं. बी डज नॉट लिव जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच ए लिव्स. बी जो है वो ए के जस्ट ऊपर नहीं होगा. बी जो है वो ए के जस्ट ऊपर नहीं होगा. वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस. ओ लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव पी बट नॉट इमेटली अबव. अब पी के लिए ना एक और क्लू आया था, याद कीजिएगा. पी के लिए और भी हमारे पास क्लू था. पी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर. अब पी हमारा अगर इवन नंबर फ्लोर पर रहेगा तो पी हमारे पास, उसने बोला है यहां पर कि ओ लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव पी बट नॉट इमेटली अबव. ओ जो है ना वो पी के ऊपर रहेगा लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहेगा. इस सारे केस को समझने के बाद लगता है. और पी जो है इवन नंबर पर रहेगा. अगर पी इवन नंबर पर रहेगा और ओ इस पी के ऊपर रहेगा लेकिन जस्ट ऊपर नहीं रहेगा तो पी यहां हो नहीं सकता. दैट मीन्स फोर्थ फ्लोर इज नो क्लियर फॉर दिस. मतलब फोर्थ फ्लोर होगा वो पी के लिए खत्म हो चुका है. वी कैन नॉट थिंक अबाउट दिस पी ऑन फोर्थ फ्लोर, जबकि पी को इवन नंबर फ्लोर पे ही रहना है. और पी हमारा फोर्थ फ्लोर पे नहीं रहेगा तो रहेगा कहां हमारे पास? सेकंड फ्लोर पे रहेगा. पी कंफर्म हो चुके हैं इस बात को लेकर. बिकॉज पी अगर फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं तो ओ के बारे में जो कंडीशन यहां दिया गया कि ओ लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव पी बट नॉट इमीडिएटली अबव, तो हम ओ को बाउंड हो जाएंगे ना. तो हम क्या करने वाले हैं? दैट मीन्स हम पी को यहां कंफर्म कर रहे हैं, भाई पी तुम यहीं रहोगे. इस केस में भी पी यहीं पे रहेगा और कोई चारा पी के लिए है नहीं. पी के साथ कोई और रहेगा अभी, जो भी पी है, हस्बैंड या वाइफ है, जो भी है इसके जो साथी हैं वो रहने वाले हैं वहां पे. ठीक है. सो पी के ऊपर हमारे पास ओ है लेकिन यहां नहीं है, तो ओ के लिए हमारे पास जगह बचता है या तो फिफ्थ फ्लोर या तो फोर्थ फ्लोर. इस तरह की चीजें हो सकती हैं. बाकी देखते हैं आगे और क्या हो सकता है. ठीक है, ठीक है, ओके. ई डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड ई जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है, तो हमारे पास ई के लिए जगह जा चुका है. ई यहां नहीं हो सकता. ठीक है. एंड ए लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो ई बट नॉट जस्ट बिलो. दैट मीन हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे ई को लेके आ सकते हैं क्योंकि और कोई जगह नहीं बचता हमारे पास. इवन नंबर फ्लोर पे हो नहीं सकता, तो ई को हम टॉप फ्लोर पे लेके जाएंगे आराम से, काम हो जाएगा. ई को हम टॉप फ्लोर पे लेके जा रहे हैं जस्ट आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर क्लू. ई डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर. अगर ई इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है तो हमारे पास ऑड पे है, तो ई को यहां रखेंगे तो आई थिंक वाला पंगा फंस जाएगा ना, ये वाला पॉइंट. ए लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो ई बट नॉट इमीडिएटली बिलो, तो ई यहां रखोगे तो जस्ट बिलो तो हो नहीं सकता. दैट मीन हमारे पास ई यहां है तो अल्टीमेटली ए को यहां लेके आना पड़ेगा. बहुत ही प्यारा सवाल यार, इट्स बहुत 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 प्यारा सवाल. ठीक है ना, ठीक है. बहुत ही प्यारा सवाल. दैट मीन्स दिस प्रोजेक्शन इज सीम्स टू बी दिस प्रोजेक्शन इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो चुका है अल्टीमेटली दिस आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर क्लू. पी लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स. क्यू के नीचे नहीं हो पाएगा ये, तो ये तुम्हारा कट चुका है आराम से. तो इसमें फोकस हमारा ध्यान भी इस पर नहीं अब जा रहा, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं आराम से. ठीक है. ए और बी का भी कंपैरिजन था आई थिंक. एक ओ लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव पी. ठीक है, ओ को लेके आना है. ओ के बारे में और क्यों करनी? ए इज नीदर द वाइफ ऑफ ए और डी. ठीक है, मतलब हमारे पास जो ओ है वो यहाँ नहीं हो सकता है. ओ यहाँ पे कैंसिल आउट है. ओ यहाँ पर थर्ड फ्लोर पे नहीं, बिकॉज ए की वाइफ नहीं है. ठीक है ना, ठीक है. डी की वाइफ भी नहीं है. ठीक है. ओ इज नीदर द वाइफ ऑफ ए और डी. ठीक है. बी डज नॉट लिव ऑन द अपर मोस्ट फ्लोर. बी टॉप पे नहीं हो पाएगा. ठीक है. एंड उसने कहा था ए और बी के बारे में कंपैरिजन था कि बी डज नॉट लिव जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच ए लिव्स. बी डज नॉट लिव जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच ए लिव्स. अगर ए का जगह क्लियर है कि क्या ए को लेकर हम कंफर्म है क्या? क्योंकि एक अगर जगह के लिए तो बी फंस जाएगा हमारा फिर. तो हम यहाँ पे काम करते हैं, ए को यहाँ से हटाते हैं. बिकॉज ए को यहाँ रखोगे ना तो आपका बी फंस जाएगा. बिकॉज उसने कहा है ना कि बी डज नॉट लिव अबव द फ्लोर ऑन विच ए लिव्स. ए अगर यहाँ रखोगे तो बी उससे ऊपर हो ही नहीं सकता, तो बी को नीचे लेके आओगे आप. और
ठीक है, दैट मीन्स वॉट वी कैन डू इज वी कैन मेक दिस ए एंड पी सिटिंग हेयर. अब हमारे पास बी के लिए स्पेस निकल के आ जाएगा. बी डज नॉट लिव जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच ए लिव्स. ए के ऊपर हम यहाँ नहीं, बी को यहाँ प्लेस कर देंगे. हम अगर थोड़ा कपल वाले पॉइंट पर भी ध्यान देते तो आई थिंक सवाल हो जाएगा आपका. ठीक है, बी और ए हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव नहीं हो सकते, हमने कैंसिल आउट कर दिया है. ई जो होगा ए से ऊपर होगा. ठीक है, एन और एम वाला कंडीशन हमारे पास मैच कराना है तो ऑफ कोर्स वी कैन पुट दिस एम हेयर और एन हेयर. एन का हस्बैंड कौन है चेक करना पड़ेगा अपने को. ठीक है ना, दैट्स इट. ई इज नीदर द, हमारे पास डी मिसिंग है तो हम डी को यहां लेके आते हैं. डी को यहां लेके आते हैं और डी विल बी द आई थिंक हस्बैंड ऑफ एन. डी विल बी द हस्बैंड ऑफ एन, राइट. हाँ, बिकॉज हमारे पास अगर डी यहाँ लेके आते हैं तो डी विल बी द हस्बैंड ऑफ एन और डी के जस्ट ऊपर आपका एम आ जाएगा और हमारे पास वो सबसे टॉप पर चला जाएगा. तो डी यहाँ पर अगर है तो हम एन को यहाँ लेके आ सकते हैं. एन के हिसाब से हमारे पास एम यहाँ आ जाएगा और इसके हिसाब से हम लोग ओ को यहाँ प्लेस कर सकते हैं. आई थिंक सवाल आपका हो चुका है. बहुत ही बढ़िया सवाल, बिकॉज यहाँ पर कह दिया ना उसने एम इज नीदर द वाइफ ऑफ ए और डी. अब हम अगर एम को यहाँ नहीं डी के साथ प्लेस नहीं कर सकते अगर एम को, तो ऑफकोर्स डी के साथ एन को प्लेस करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा. और डी वाला M is neither the wife of A or D. A और P तो आपस में सेट हो चुके हैं अपना, आराम से काम खत्म है. बहुत ही बढ़िया सवाल था. मतलब इन द सेंस यू विल हैव टू नो थिंक अबाउट द क्वेश्चन साइलेंटली, मतलब कॉन्सेंट्रेशन से साइलेंटली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कंडीशन को मैच करना पड़ेगा, कपल वाला पॉइंट और ध्यान देना पड़ेगा और कुछ नहीं. हम डायरेक्टली से बहुत ये नहीं कह सकते कि हाँ ये ब्लड रिलेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है सवाल पे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से लोग कपल हैं आपस में. ठीक है, क्लियर है. दिस इज बहुत अच्छा सवाल. एक बच्चे बहुत परेशान हैं, मैं उनसे उनका मैं कमेंट ले लूं. बहुत अमरदीप सिंह, मैं आपको बोला भी था कि इस सवाल के बाद मैं आपका कमेंट लूंगा. सो लेट मी डिस्कस अबाउट योर डाउट, योर प्रॉब्लम, नॉट योर डाउट एक्चुअली, योर इश्यूज. आपके इश्यू ये हैं कि सर कहीं आपका डाउट ये है कि सर मैं अभी SBI PO लेवल पे तैयार नहीं हो पाया हूँ, क्या मुझे RBI ग्रेड बी का एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी चाहिए. जिस दिन आप, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जिस दिन आप बच्चे जो भी सुन रहे हो यहाँ पर मुझे देख पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, लाइव देख रहे हैं, जो भी अभी तो लाइव देख रहे हैं, जो इसके बाद देखेंगे वो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, किसी आप एक इंडिविजुअल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन मत कीजिए कि मुझे RBI ग्रेड बी के लिए. अब जैसे नोटिफिकेशन आया तो RBI ग्रेड बी के पीछे भाग गए. किसी SBI क्लर्क अभी आएगा, अभी आए SBI क्लर्क बहुत जल्दी आने वाला है, अभी SBI क्लर्क आ जाएगा उसके पीछे भागने लगेंगे आप. तो ये वाला एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा और इस वजह से सिर्फ बच्चों का प्रिपरेशन कभी नहीं हो पाता है और बच्चे सिर्फ एग्जामिनेशन देने जा रहे होते हैं. मतलब जिस दिन आप ये करने लग गए ना कि यार मुझे तो पता है कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, ठीक है मैं RBI ग्रेड बी का एग्जाम का फॉर्म भरूंगा, मैं उसको देने भी जाऊंगा, अपनी पूरी जान झोंक दूंगा, जितना पढ़ा है मैंने उस पढ़ाई के रास्ते में, यानी कि RBI ग्रेड बी आ गया तो हम उसकी तरफ इंक्लाइन झुकाव हो गया हमारा, ऐसा नहीं है. मतलब आप उस तरह के काम कर रहे हैं, लिटरली बता रहा हूं मैं, आप उस तरह का काम कर रहे हैं. ऐसे हम बोलते हैं ना कि यार वो देखो एकदम बिल्कुल, हमारे बिहार में एक शब्द इसको प्लीज आप लोग, मैं नहीं बोलूंगा, छोड़ो हटाओ. मतलब हमारे यहाँ एक बोलते हैं लोग कि देखो किस तरह का है, मतलब जैसे कोई भी जा रहा है, अगर जा रही है तो मतलब सब पे मतलब वो करना, तो आप कहीं स्टेबल नहीं होते हैं आप. मैं बहुत खुल के नहीं बोल रहा हूँ, कभी और बताऊंगा खुल के इस बारे में. होता है ना, यू मस्ट फील स्टेबल फॉर थिंग्स, यू मस्ट बी स्टेबल टूवर्ड्स योर सिलेबस, योर माइंड सेट शुड बी वेरी मच क्लियर कि हमें सिलेबस को लेके पहले इंक्लाइंड होना है, सिलेबस को लेके उसके पीछे भागना है सबसे पहले 100%. आप उसके पीछे भागो, एग्जाम्स आपके पीछे भाग के आएंगे. आप एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करेंगे, बस दिक्कत ये होती है कि आप तैयारी कर रहे होते हैं और रास्ते में एक नोटिफिकेशन आया आपके प्रिपरेशन के रास्ते में, और उस नोटिफिकेशन के आते ही आप क्या किए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे चल दिया ऐसे. हाँ ठीक है, ऐसे दिस इज द वर्स्ट थिंग व्हाट स्टूडेंट यूज्ड टू डू इन देयर प्रिपरेशन जर्नी. This is the worst thing, not bad. I'm saying, ये सबसे बुरा चीज़ है preparation journey में. आपको ऐसे नहीं करना है. This is not done actually. ये करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है. ठीक है.
तो अपने आप को ना डिमोटिवेट नहीं कीजिए, इससे डिमोटिवेशन को सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन को क्रिएट करने का जो पॉइंट है वो यही है। किसी स्टूडेंट को अगर डिमोटिवेट करता है वो खुद करता है डिमोटिवेट, ठीक है। आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी आकांक्षाएं आ जाती हैं कि मुझे लगता है मैं क्वालिफाई कर लूंगा, आपके घर वालों की उम्मीद बढ़ जाते हैं, वो भी पूछने लगते हैं बेटा हुआ, और आपको लगता है कि यार तो हुआ ही नहीं, बहुत बुरा हाल है, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक सवाल और है, ठीक है। देखिए संजना ने कहा कि सर पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है, अच्छा पकड़ बना रहता है फिर डैमेज हो जाता है, एग्जैक्टली डगमगा जाता है। मैंने कभी ये नहीं किया कहा है आप सभी से कि फॉर्म मत भरिए आप, यही तो बात है ना कि यही तो जो कर पाता है कि फॉर्म भरे भी, मैं तो हमेशा बोलता हूं सारे फॉर्म भरो, भावुक मत हो सबको लेके, मैं बार बार कहता हूं ये बात, ये एक बार नहीं कह रहा हूं मैं हमेशा कहता हूं, यू शुड लाइक, आपका एक सिलेबस है यार, अब इस तरह का पजल है, आपको पता होना चाहिए कि आपका सिटिंग एलिमेंट और पजल का दो एक दो तीन फॉर्म है सिटिंग पजल के सवाल को पूछने का। एक तरीका है कि भाई देर आर लाइक फाइव फ्लोर्स और टेन फ्लोर्स सेवन फ्लोर्स, आपके पास बोलेगा हाँ ये तीसरा फ्लोर पे रहता है, इसके नॉर्थ ईस्ट में एक पर्सन रहेगा, उसके ऐसे ऐसे रहेगा, मतलब ट्रेडिशनल क्वेश्चन। और एक होता है जहां पर थोड़ा सा ना मतलब ट्विस्ट डालेंगे बोलो, जहां पे आपको सेंटेंस से कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, अब ये होता है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का। तो पहले आप जब उस पर पकड़ अच्छी नहीं है तो इस पर कैसे समझ में आएगा, ये चीज लगेगा क्या ही चल रहा है सर, आपने कैसे कंक्लूजन निकाल लिया इस चीज का, ये दिक्कतें आएंगे। सो बाकी देखो कल अभी देखो क्या होगा, 2021 का जितना भी एग्जामिनेशन हुआ आईपीएस ने कराया है उन सबका फाइनल रिजल्ट कल डिक्लेयर होने वाला है, 1 अप्रैल है, हर 1 अप्रैल को आपका आईबीपीएस शेड्यूल्ड बिल्कुल क्लियर है एकदम कि अपना रिजल्ट जाहिर करता है। सो अभी मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, 6:30 में एक सेशन लगाया हूं मैं आप सभी से बात करने के लिए, मैं कुछ स्टूडेंट से भी बात करूंगा और मैं आपको भी सुनाऊंगा कि सुनाऊंगा क्या मतलब आप ही लोग कॉल करेंगे और मैं बच्चों से आपसे सुनाऊंगा कि क्या है क्या होता है दिक्कत, प्रिपरेशन जर्नी की कहानी आपसे सुनाऊंगा मैं 6:30 बजे आज शाम में इसी अपने चैनल पे ही बात करूंगा मैं। होना भी चाहिए, पता चले कि होता क्या है। ये आपका नेक्स्ट सवाल है, ट्राई आउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सवाल में इस बार जिक्र ये किया गया है कि 10 people ABCDE PQRST आर सिटिंग इन 2 parallel rows, PQRST आर सिटिंग इन row 1। इसमें PQRST जो है row 1 में बैठते हैं और फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, दैट मीन्स कि नीचे वाले रो में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये जो PQRST 5 लोग हैं ये row 1 में बैठे हैं, इसमें row 1 row 2 को लेके भावुक नहीं होना है, row 1 row 2 जो होता है किसी को भी row 1 कभी भी किसी को row 2 कह देते हैं लोग। तो इसमें लेकिन जब फेसिंग नॉर्थ बोला है दैट मींस कि नीचे वाला लाइन जो होगा ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर वाला लाइन बैठने वाले नीचे देख रहे हैं, दैट मींस कि ये आपका row 1 जो है वो नीचे वाला लाइन है पैरेलल रो में, और ABCDE आर सिटिंग इन 2 row 2 एंड दे आर फेसिंग साउथ, मतलब ये ऊपर के लाइन में बैठ रहे हैं लोग। ठीक है, उसमें एक और बात इन्होंने कहा है, पर्सन्स हु आर फेसिंग नॉर्थ आर दे लाइक फ्रूट्स एंड द पर्सन फेसिंग साउथ आर लाइक दे लाइक फ्लावर्स।
तो अच्छी चीज है, मतलब आपके पास जो यहाँ से क्लू वाला ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा भाई, नॉर्थ वाले लोग दैट मीन नीचे लाइन में बैठने वाले लोग फ्रूट्स पसंद कर रहे हैं और जो साउथ देख रहे हैं वो फ्लावर्स। इसके बाद क्लू यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, द वन हु लाइक्स ऑर्चिड फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू हु लाइक्स गुआवा। तो मतलब यहाँ से क्लू स्टार्ट होता है और हमने अगले स्लाइड में क्या किया है, आपका जो क्लू वाला पार्ट है उसको दोनों ही लैंग्वेज में रख दिया है ताकि आप लोग ऑब्जर्व कर सकें, सवाल को देख सकें दोनों ही लैंग्वेज में, जिनको जो भी लैंग्वेज पसंद हो उसमें सॉल्व कर सकें। देखिए एक सवाल हमेशा उमड़ के आता है और लाजमी भी है ये सवाल, अगर हम मैं स्टूडेंट होता तो शायद मेरे जहन में भी ये सवाल आता, जैसे कि अभी हरप्रीत कौर का एक सवाल आ रहा है कि प्रिपरेशन यूट्यूब से करनी चाहिए या फिर जो पेड क्लासेस होती हैं उससे करनी चाहिए। आप फ़ोन ख़रीदने जाते हो कभी या फिर कुछ भी ख़रीदने जाते हो तो आपको एक डेमो एक होता है डमी फ़ोन दिखाया जाता है, ठीक है ना, आपको अगर वो कह दें कि डमी फ़ोन से ही आपको मतलब इसी में ठीक ठाक करके दे देते हैं आपको यही आप मतलब जो भी है चलाइए, तो वो आपके लिए फिजिबल होगा क्या? नहीं होगा, नहीं आपको उसमें आप उसको नो लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। एग्जैक्टली वही होता है, यूट्यूब इज नॉट अ क्लासरूम, ठीक है ना। सो एप्लीकेशन जो जो डेडिकेटेड काम होता है, डेडिकेटेड काम प्रोफेशनल काम डेडिकेटेड काम अलग है, वो मतलब वो उसका कोई तोड़ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इसमें हम फ्री टाइम में यहाँ आते हैं, क्योंकि हम जब वहां से फ्री होते हैं तो हम यूट्यूब पे आते हैं या कोई फैकल्टी आते हैं, ठीक है। चले कल मिलते हैं फर्स्ट डे, हाँ कल क्लास आपकी है आरबीआई ग्रेड बी, और सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी नहीं, मैं तो कहूँगा कि कल जो क्लास शुरू कर रहे हैं अपन आरबीआई ग्रेड बी वाली बैच उसको आप एक फाउंडेशन बैच की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं आराम से, बहुत आराम से, क्योंकि हमें पूरा ही पढ़ना है यार। आरबीआई ग्रेड बी का मतलब है दे विल आस्क यू एवरीथिंग, मतलब उसमें कोई प्रीलिम्स या मेंस ऐसा कुछ नहीं, उनका तो फेज वन ही है जो सब कुछ है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपना जब नोटिफिकेशन निकालता है या फिर जैसे बैंक ऑफ कोई कुछ कुछ बैंक निकालते हैं अभी, जैसे ईसीजीसी पीओ निकला हुआ है, तो अब ईसीजीसी पीओ का जो नोटिफिकेशन है अब उसमें पढ़िए तो उसका एक ही एग्जामिनेशन लेने वाले हैं वो लोग। ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं जहां पे एप्टीट्यूड आपका सिर्फ एक बार टेस्ट हुआ उसका इंटरव्यू हो जाएगा। आरबीआई ग्रेड बी में क्या है, जो फेज वन है आपका उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, अब उसका फेज टू में अलग ही सिलेबस है बिल्कुल। तो मैं तो कहूंगा जो भी फाउंडेशन बैच पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी आराम से आरबीआई ग्रेड बी की मतलब बैच में पढ़ के, मतलब बिकॉज एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शायद फील नहीं होता होगा लेकिन आज जो बच्चा जनवरी वाला फाउंडेशन बैच पकड़ लिया होगा वो अगर और बहुत डेडिकेटेड वे में पढ़ाई किया होगा तो इस मार्च 31 तक उसने क्या कर लिया पता है आपको? उसने अपना फाउंडेशन मतलब क्लियर कर लिया, पढ़ लिया उसने पूरा सिलेबस कवर कर लिया अपना। अब उसकी आवश्यकता क्या हो गई है, मतलब वो आपसे आगे इस चीज में तो आगे है कि उसका सिलेबस मतलब पूरा गो थ्रू प्री प्लस मेंस का सिलेबस से गुजर चुका है वो, तो मतलब एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, जब जागो तभी से वेरा, लेकिन अभी भी और लेट करोगे तो और दिक्कत है, ये वाली पॉइंट है, मतलब यू मस्ट नॉट बी लेट, क्योंकि आपके साथ आप ही अकेले नहीं दौड़ने वाले, आपके साथ बहुत लोग दौड़ने वाले हैं। ठीक है चलिए आइए सवाल पे आते हैं। हमारे पास बताया गया कि भाई पैडल रो का सवाल है, तो पांच लोग हमारे पास एक रो में बैठ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, और इसमें कुछ कुछ जिक्र इसने पहले कह दिया है पी क्यू पी। अब जो इसमें क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हमेशा कि आप ये इंडिकेट जरूर कर दें कि कौन सा लोग किस वाले ग्रुप में बैठ रहा है। पी क्यू जो है नॉर्थ देख रहा है, तो दैट मीन्स कि हमें इसको यहाँ से हटा देना चाहिए, हमारा जो पी वाला ग्रुप है वो नीचे रहेगा बिकॉज ये नॉर्थ देख रहे हैं, और ए वाला ग्रुप जो है ऊपर रहेगा। इसको इंडिकेट जरूर कर दिया करें कौन सा ग्रुप कहाँ है, ताकि कई बार होता ना उल्टा पुल्टा हम लोग कर लेते हैं इस वाले सवाल में। सिमिलरली हम यहाँ पे भी एक और प्रोजेक्शन ले लेंगे ताकि हम गलत मतलब अगर कोई संभावनाएं आती हैं कि सेंटेंस का दो मतलब निकल के आएगा तो हम उसे
ड्रॉ कर सकें। अब यहाँ पे फिर से इंडिकेट करने का मतलब नहीं है, दैट पी का मतलब है कि पी इस लाइन में क्या रहेगा, पी वाला ग्रुप रहेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, ओके, द फर्स्ट क्लू इज सेइंग द वन हु लाइक्स ऑर्चिड फेसेस द वन हु इज सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू हु लाइक्स ग्वाभा। पहला ही लाइन बहुत क्लियर कट बोला कि भाई देखो पी जो है जो ऑर्चिड पसंद करता है वो फेस करता है किसको, जो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू ये हो सकता है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू ये हो सकता है, क्यू जो होगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जो क्यू होगा वो ऑर्चिड को फेस करेगा, दैट मीन ऑर्चिड यहां हो सकता है। देयर आर सो मेनी प्लेसेस। अभी तो इस क्लू को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर वी कैन थिंक अबाउट दिस। नाउ दे आर सेइंग ए सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो एंड लाइक्स लिली। जब भी हम किसी स्ट्रेट लाइन का के क्वेश्चन का जिक्र करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हम एक्सट्रीम एंड वाले क्लू को इंपॉर्टेंस दें और बहुत तरीके से इंपॉर्टेंस दें। तो उसने बोल दिया ए सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, दैट मीन्स हमारे पास किसी स्ट्रेट लाइन में अगर पांच स्थान बनाए गए हैं तो एक्सट्रीम एंड तो ऑफकोर्स दो ही होगा। तो हमने क्या कर लिया, एक बार हमने ए को यहाँ सेट कर लिया और एक बार हमने ए को यहाँ सेट कर लिया, बिकॉज ये दो ही जगह है जहाँ हम ए को लेकर विचार या सोच सकते हैं। यह और ए जो है वो लिली पसंद करती है, तो हमने कहा चलो भाई, तो हमने यहाँ पर ए लिली यहाँ कर लिया। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास ए ड्रॉ हो चुका है तो ओनली टू पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु फेसेस ए एंड द वन हु लाइक्स ग्रेप्स। दैट मीन्स कि ए को जो फेस करता है उसके और जो ग्रेप्स पसंद करता है उसके बीच में दो लोग हैं। ए को जो फेस करता है उसके और ग्रेप्स पसंद करने वाले के बीच में दो लोग हैं। हमने कहा चलो ठीक है चलो, दैट मीन्स ए के बारे में यहाँ पर हम लिख देते हैं ये लिली पसंद करती है या करता है जो भी है। ठीक है, एनी कंडीशन पी लाइक्स मैंगो एंड फेसेस ए। पी का भी कंफर्म है यहाँ पर, पी और यहाँ पर मैंगो। तो पहले क्लू से हम स्टार्ट नहीं कर पाए थे, आप इस बात को ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि हमने पहले क्लू से स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है ना, और यहाँ पर पी। ठीक है, हम पहले क्लू से स्टार्ट नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज की कनेक्शन, मतलब इन द सेंस हम बहुत सारे प्रोजेक्शन बन के आ रहे थे, हमने थोड़ा वेट किया, जहां फिक्स चीजें नजर आई उसको ढूंढा, उसका इस्तेमाल किया। अब जब ए को हम लेके आए तो ए से जुड़ा हुआ क्लू भी मिल गया। कहां पे मिल गया था, ये वाला क्लू, ओनली टू पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु फेसेस ए एंड द वन हु लाइक्स ग्रेप्स। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, दैट मीन्स कि हमें पता नहीं है, तो डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, के सेकंड लेफ्ट में डी यहां पर, ई के सेकंड लेफ्ट में डी यहां पर, दैट मीन्स कि देयर आर सो मेनी सिचुएशंस, टू सिचुएशन बन रहे हैं अभी भी, और वेट करते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, और कोई कनेक्शन हमारे पास, नीदर ई नॉट डी फेसेस द वन हु लाइक्स ग्रेप्स। चलो अच्छी बात है, यहां पर ई ऑब्लिक डी नहीं हो पाएगा। अब देखो मैंने कहां से ढूंढ के निकाला इस लाइन को, इस यहां से, नीदर डी, बिकॉज हमारे पास यही सब एलिमेंट का जिक्र हो रहे थे। अब हमें ई और डी को, अभी हमने जो क्लू पढ़ा था द वन हु लाइक्स, यहां पर डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, अब हमें इस लाइन को ड्रॉ करना है, लिखना है, ड्रॉ करना है कहीं पर। कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, तो हम देखें भाई कैसे हो सकता है ये चीज, तो उससे जुड़ा हुआ और कुछ बातें हैं क्या, उससे हम क्लैरिटी आएगी। तो हमारे पास यहां मिल गया, नीदर ई नॉट डी फेसेस द वन हु लाइक्स ग्रेप्स, और ग्रेप्स हमारे पास प्लॉट पे है। ऐसे ही सवाल सॉल्व होता है, मतलब आपको ना जहां तक, एक किसी ने बहुत खूब कहा है कि जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चल, वहां जाके वहां पहुंच के आपको आगे का रास्ता दिख जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार चाहते हैं, दूरबीन ही लग जाए हमारा आंख में, हम पूरा भविष्य देख ले, 50 साल बाद क्या होने वाला है। पापी इंसान, वर्तमान में रहो, आपको दिख रहा है कि भाई हमें ई और डी के बारे में चिंता करनी है फिलहाल, कि डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, और हमें समझ में आ रहा है कि दो प्रोजेक्शन है, तो आप चुपचाप इस पर फोकस करो कि ई और डी के बारे में कोई और चीज है जो इसका रास्ता साफ कर सके। तो फोकस अगर ई और डी पर रहेगा, रास्ता साफ हो चुका है। कि अगर आप यहां पर गलती से भी, उसने कहा कि डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, अगर ई यहां रखोगे तो डी अल्टीमेटली यहां लेके आओगे, जो कि फिजिबल नहीं है, तो आप ई को यहां रखोगे और उसके सेकंड लेफ्ट में क्या करोगे, डी यहां लेके आ जाओगे। आप बोले हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल एकदम मुद्दे की कर लिया आपने, बिकॉज ई और डी दोनों ग्रेप्स के सामने मना किया गया है। सिमिलरली द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, ग्रेप्स यहां पर है तो आपको यहां भी ई और डी मना है, मतलब इस जगह पे भी हम ई ऑब्लिक डी नहीं कर सकते, वी हैव कैंसिल्ड आउट ई एंड डी हियर। अब हम उसने कहा है कि डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है ना, ई के सेकंड लेफ्ट में हमारे पास अगर होगा तो ऑफकोर्स ई के सेकंड लेफ्ट में अगर डी होगा तो यही हो सकता है और कोई जगह हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, आई होप यू गॉट द आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्लू हमारे पास कहाँ पे है, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस,
एस एंड द फेस इज द वन हु लाइक्स रोजेस. दैट मीन्स आर के बारे में बोला कि आर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड फेस इज द वन हु लाइक्स रोज. आर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है ना, एंड फेस इज रोजेस. रोजेस यहाँ हो सकता है. आर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस. आर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है, देखते हैं और क्या हो सकता है. ठीक है, सी सिट्स एट वन ऑफ द पोजिशन टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैरीगोल्ड. सी सिट्स एट वन ऑफ द पोजिशन टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैरीगोल्ड. ठीक है, अब हमें फ्रूट की बात कर लेनी चाहिए. यहाँ पर थोड़ा सा फ्रूट के बारे में जिक्र करना जरूरी है. हमारे पास एक मैंगो हुआ है, ग्रेप्स हुआ है, ग्वाबा वाला पॉइंट लेके आते हैं. ग्वाबा है और हमारे पास फ्रूट्स के नाम पे क्या है भाई, बनाना भी बोला गया है. वन ऑफ द पर्सन लाइक्स बनाना. दैट मीन्स से पहले एक और हमारे पास होगा, मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, फ्रूट हमारे पास होंगे एप्पल. अच्छा, एप्पल वाला एक पॉइंट है. द वन हु लाइक्स एप्पल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस द वन हु लाइक्स जैस्मिन. ओके, परफेक्ट. द वन हु लाइक्स एप्पल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ. थर्ड टू द लेफ्ट दैट मीन्स गैप ऑफ टू. Gap of that means the one who likes apple sits third to the left of the one who faces the one who likes jasmine. ये बहुत अच्छा क्लू है यार. इस क्लू को हम लोग हल्के में कैसे कर सकते हैं? इस क्लू को अपन हल्के में कर ही नहीं सकते. That means jasmine वाला पॉइंट बहुत क्लियर है कि यहीं पे थर्ड का गैप बोला तो यहीं पे हो सकता है. means jasmine को हम यहीं रख सकते हैं. लिली, हाँ, jasmine यहाँ पे आ जाएगा. jasmine यहाँ प्लेस करेंगे तभी उसके सामने जो होगा उसके थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे आएगा कौन, जो बताया गया है आपका. सी सिट्स एट वन ऑफ पोजिशन. नहीं नहीं, एप्पल. दैट मीन्स कि एप्पल विल बी डन हियर. ठीक है, सेम वही केस यहां भी करना पड़ेगा अपने को. दैट मीन्स कि थर्ड लेफ्ट, दैट मीन्स कि हम यहां पर जैस्मिन करेंगे. ठीक है ना, जैस्मिन के थर्ड लेफ्ट में हमारे पास जो जैस्मिन को फेस करेगा उसके थर्ड लेफ्ट में क्या आएगा, एप्पल. दैट मीन्स एप्पल विल बी डन हियर. ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल. अब देखो ये जो क्यू वाला पॉइंट था ना, वो जो आपका क्यू हु लाइक्स ग्वाभा वाला पॉइंट, तो क्यू या तो यहां हो सकता है या तो यहां, दो ही जगह हमारे पास क्यू के लिए बन रहा है. इसमें भी क्यू या तो यहां. तो अब हम उसका वाला पॉइंट पढ़े. द वन हु लाइक्स ऑर्चिड फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू. सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू मतलब यहां रहेगा तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू पी होगा और ये किसको फेस करेगा, ऑर्चिड को. पॉसिबल नहीं है. तो क्यू यहां आएगा और ये हो जाएगा आपका ग्वाभा. ठीक है, ग्वाभा के सेकंड लेफ्ट में क्या हो जाएगा आपका, जो होगा वो फेस करेगा किसको, ऑर्चिड को. दैट मीन्स कि ऑर्चिड विल बी कमिंग हियर. तो आपके फ्लावर्स भी लगभग हो चुके हैं. अब सवाल खत्म हो चुका है आपका. एक जो बताया वो बनाना, आप बनाना यहाँ भर सकते हैं. ठीक है ना, सारे फ्रूट्स आई थिंक आपके क्लियर हो चुके हैं. थोड़ा इनविजिबल है, मैं इसको हटाता हूँ कुछ. ठीक है, सो मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ग्वाभा हो चुका है आपके पास. नाम जो सेट करने कर लेते हैं. अब एक बार शुरू से पढ़ेंगे आप, सवाल खत्म हो चुका है आपका. द वन हु लाइक्स ऑर्चिड फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू. इसी बात को हम इधर भी सेट कर सकते हैं आराम से, कि उसने बोला ग्वाभा के सेकेंड लेफ्ट में जो होगा वो आपका ऑर्चिड को फेस करेगा. ग्वाभा मतलब क्यू यहाँ पे हो सकता है. क्यू यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट में हमारे पास ऑर्चिड. क्यू यहाँ हो सकता है, उसके लेफ्ट में नहीं हो सकता. हाँ, हो सकता है अभी भी. ठीक है, so we have two projections here. After this we can easily see this. ठीक है, अच्छा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू बोला गया है. द वन हु लाइक्स ऑर्चिड फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू. ओके, सॉरी, तो फिर तो यहां से हटाना पड़ेगा अपने को. तो ये गड़बड़ हमने पढ़ लिया था, हमने सेकंड टू लेफ्ट पढ़ लिया था. ठीक है, तो मैं यहां से बैठा दूं. ठीक है, सी सिट्स एट वन द पोजीशन टू द राइट ऑफ मैरीगोल्ड. ठीक है, तो सी को हम यहां प्लेस करते हैं. सी यहां अगर रखेंगे हम लोग तो सी जो है मैरीगोल्ड के सेकंड राइट में. ठीक है, यहां पर हमारे पास जैस्मिन ऐसे भी आ चुका है. जैस्मिन यहाँ है तो यहाँ पे हमारे पास मैरीगोल्ड के राइट में तो हो नहीं सकता. तो सी यहाँ अल्टीमेटली हो गया. सी यहाँ हो गया अल्टीमेटली हमारे पास. ए बी सी डी, ए बी बी यहाँ प्लॉट कर दीजिए आप. ठीक है, ओके, परफेक्ट. द वन हु लाइक्स ऑर्चिड फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू. क्यू हु लाइक्स ग्वाभा. क्यू यहाँ हो सकता है, ग्वाभा यहाँ हो सकता है. क्यू यहाँ, ग्वाभा यहाँ, उसके यहाँ पे सी ऑर्चिड हो सकता है. तो हम इसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं? आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड फेसेस द वन हु लाइक्स रोजेस. एंड फेसेस, दैट मीन्स आर इज फेसेस, आर फेसेस रोजेस. ठीक है, एंड आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस. ठीक है, इफ आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड आर फेसेस रोजेस, अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो हमारा काम होगा क्या?
तो क्यू यहाँ पर इमेट लेफ्ट में जो होगा नहीं, क्यू यहाँ पर इमेट लेफ्ट में होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है. सो दैट मीन्स हमारा मामला फंस जाएगा फिर. दैट मीन्स अब सवाल ख़त्म हो चुका है आपका. आर और एस को हम सेट कर लेते हैं. सो वी कैन पुट दिस आर हेयर, एस विल बी कमिंग हेयर, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जो क्यू होगा ये पर्सन ये फेस करेगा किसको, ऑर्चिड को. दैट मीन्स सवाल आपका हो गया ख़त्म अब. ठीक है, तो दिस इज़ आपका ऑर्चिड. वही टेस्टिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको कि ऑर्चिड कहाँ रखना है, उसके हिसाब से क्या रखना है. ये आपका मैरीगोल्ड हो गया. ठीक है, बचा हुआ फ्लावर आप यहाँ भर सकते हैं, और वो भी नाम है PQRST. एक आई थिंक एक जो नाम है वो है आपका, हाँ, PQRST. ठीक है, PQRST. टी वी कैन सेटल डाउन हेयर. क्यू का नाम था गुआवा, गुआवा फ्रूट था यहाँ पर, और एक फ्रूट यहाँ पर हमारे पास है बनाना. ठीक है, ठीक है, आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया. तो जो कट ऑफ आप देखते होंगे कि जैसे 2021 में जो कट ऑफ बहुत कम गया था, उस बहुत कम कट ऑफ का आउट मतलब क्या था, मतलब 200 नंबर में से 66.75 कट ऑफ था, उसका मतलब यही सब था. क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन, द लेवल ऑफ क्वेश्चन दे यूज टू आस्क, दैट नीड्स अ बिट कूल मेंटेलिटी एंड बहुत सुकून से अपने को सॉल्व करना पड़ता है सवालों को. ठीक है ना, ठीक है. द अम्यूजिंग बॉय कह रहे हैं सर. नहीं नहीं भैया, अम्यूजिंग बॉय बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सारे पॉइंट्स मैंने फिल्टर कर लिए हैं वापस से एक बार. संजय कह रहे हैं कि सर आप यहाँ भी, मैं अभी ही चैंपियन बैच रिकॉर्डिंग देख रहा था. हाँ, मैं कभी कभी आता हूँ ना RBI ग्रेड बी वाले, मतलब कुछ पजल्स, मैं पजल्स का एक बड़ी बेहतरीन सीरीज भी लेके आ रहा हूँ, जल्दी नज़र आएगा आपको. आपके इस अप्रैल मंथ में YouTube पे एक पजल सीरीज लेके आ रहा हूँ, जो बच्चे फाउंडेशन बैच पढ़ चुके हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगा. मतलब एक ना क्या बोलते हैं, सर्व गुण संपन्न, तो वही वाले सर्व, मतलब सर्वोपरि होना पड़ेगा आपको. मतलब पूरा आपका जो ड्यूरेशन है उसमें से, मतलब जहाँ से जो मतलब मिल रहा हो, आपका एक डेडिकेटेड काम तो कर ही लेना है. उस डेडिकेटेड पढ़ाई के साथ साथ अपने को थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैं YouTube पे कुछ समय निकाल के आपके साथ मिलते रहूँगा. ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडे सेशन. आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, सवाल काफ़ी बेहतरीन मिले होंगे आपको. बाकी 6:30 में मैं चाहूँगा आज सभी बच्चे जुड़ें, बहुत बेहतरीन चर्चा मैं करूँगा और बहुत अच्छे खास सुझाव भी दूंगा आपको. अमल करना आपके ऊपर है, हमारा काम यही है कि हम आप तक सुझाव पहुँचाएँ और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है. कल से हमारा एक RBI ग्रेड बी का बैच शुरू हो रहा है, फेज़ वन फेज़ टू दोनों मिलाकर. फेज़ वन रहेगा और फेज़ टू दोनों की पढ़ाई होगी इसमें. और फेज़ वन वाले जो जो सिर्फ फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं वो सिर्फ फेज़ वन तक पढ़ सकते हैं इस बैच में, अपने आप को इस यहीं तक निकाल सकते हैं पढ़ के. मतलब आपके पास अगर बैंक महापैक प्लस है तो आप इस बैच को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, बिकॉज बिल्कुल फाउंडेशन बैच. नाम तो आप ऑफकोर्स RBI ग्रेड बी है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये फाउंडेशन बैच की तरह ही है. बिल्कुल नाम नहीं रखा जा सकता फाउंडेशन, बिकॉज RBI ग्रेड बी का बैच है तो नाम नहीं रखा जा सकता है. ठीक है, तो बस आप समझदार है तो समझ जाइएगा, बिकॉज सिलेबस आपको पूरा ही पढ़ना पड़ता है इसमें. तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, आप इसको फाउंडेशन बैच की तरह ट्रीट कर सकते हैं. ये बैंक महापैक प्लस का पार्ट है, बैंक महापैक का पार्ट नहीं है. बैंक महापैक वाले बच्चों के लिए मैं बोल सकता हूँ, जिनके पास बैंक महापैक है, SBI क्लर्क का ही फाउंडेशन बैच हम जल्दी ही प्लान कर रहे हैं. तो अगर बैंक महापैक आपको अगर RBI नहीं देना है या फिर आपके पास बैंक महापैक है, तो ऑफकोर्स आप इंतजार करें, मिड ऑफ अप्रैल में आपको SBI क्लर्क का बैच नजर आ जाएगा. और जिनके पास बैंक महापैक प्लस है वो आराम से कल से क्लास शुरू कर लें. जिनके पास बैंक महापैक या बैंक महापैक प्लस कुछ भी नहीं है, तो मैं कहूँगा बैंक महापैक प्लस में एनरोल करके आप आराम से क्लास शुरू कर दीजिएगा. अभी फिलहाल डबल वैलिडिटी चल रहा है, उसका लाभ उठा सकते हैं आप. ये मेरा रेफरल कोड है Y188, इस पर आप 78% जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट हुआ करता है उसका लाभ उठा सकते हैं एप्लीकेशन के जरिए. सो डबल वैलिडिटी भी है और जो भी है लाभ उठा सकते हैं आप. साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, ब्लेसिंग्स. मिलते हैं परसों ठीक इसी प्रकार कुछ बेहतरीन पजल के साथ. बाय बाय.